ये नहर कब बनी थी आपके यहाँ? ये लगभग 20 साल पहले की बनी। उस समय से आज तक इसमें किस तरह की स्थितियाँ रही पानी को लेकर के? पानी यहाँ आज तक आया ही नहीं है। बुंदेलखंड का जो बांदा और चित्रकूट है, यहाँ पे बहुत ही जर्नलिस्ट कम है, लेकिन उनमें से एक ऐसा मंच है जो खबर लहरिया अखबार है, जिसमें महिला रिपोर्टर है, उनमें से मैं हूँ एक। मेरा नाम गीता है। जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे 80% किसान ही रहते हैं ज़्यादातर। खासकर बुंदेलखंड में इस समय बहुत ज़्यादा किसानों की बदहाली चल रही है, जिसको लेकर किसान आए दिन कहीं धरना, कहीं आंदोलन, कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी मांगों के लिए। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को पूरा सूखा घोषित करे। धरने में उस गांव के किसान थे, नौगावा गांव के, वो आए, कहते हैं मैडम हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, इस बारी बहुत सारी खेती पड़ी हुई है, बोई नहीं गई है। तो नहर के खबर करने का जो हमारा रीजन था, पहला तो किसानों की फसल बुआई का समय था, बारिश भी नहीं हो रही थी, किसान अपने आप में परेशान थे, और वो नहर भी सरकार नहीं चालू कर रही थी क्योंकि नहर चालू होने का भी समय था। इस तरह की खबर करने के लिए अन्य मीडिया वहां तक नहीं पहुंचती है, जो कि केवल खबर लहरिया उन इलाकों में जा करके लोगों से बातचीत करके ही खबरों को कवर करती है। आज मैं नरैनी ब्लॉक के नौगावा गांव में मौजूद। यहां के लोगों का कहना है कि यहां लगभग 20 साल पहले उस समय नहर खुदवाई गई थी, लेकिन आज तक नहर में पानी नहीं आया। ये जो स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है, जो मुझे लगता है कि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में खत्म हो रहा है, कि आपके एक्चुअली ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो डेस्क पर बैठ कर के अपने ओपिनियंस नहीं लिख रहे हैं। क्या स्थिति है खेतों की, क्यों ऐसे बैठे हैं? पानी ने हाँ साहब, तो बिना पानी के बह नहीं जाएगा तो सोचे त्या। गाँव में प्रॉब्लम्स होती है, कभी अधिकारी को पता होता है वो सुनते नहीं है, या कभी उनको लगता है कि कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि जो खबर लहरिया की खासियत है कि पावर और अथॉरिटी है, उन पर जवाबदेही लेना कि ये क्यों नहीं हो रहा है या ये क्यों इस तरह से हो रहा है। टेक्नोलॉजी है, उसकी पहुँच बड़ी है, आज हम दिल्ली में बैठे हैं और हम जो कर रहे हैं काम वो उन क्षेत्रों तक पहुंच पा रहा है। तब जब वो फिर से पब्लिश हुई और जब अधिकारी पक्ष तक वो खबर पहुंची है, उसके बाद उनमें असर हुआ और उन नहरों में फिर से पानी छोड़ा गया था। हमारी नहरें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जगह जगह टूटी फूटी हैं, इसलिए पानी पहुंचने में दिक्कत होती है। वो काम करा दिया गया था, पानी पहुँच गया है। तो वो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा था, ये किसान जो उस समय मुरझाए हुए थे तो आज इनके चेहरे थोड़ी खिले हुए हैं। हम कहते हैं एवरीडे स्टोरीज ऑफ एवरीडे पीपल इन खबर लहरिया, दैट्स न्यूज। न्यूज इज नॉट जस्ट व्हाट इज ऑन द हेडलाइंस ऑफ बिग न्यूज़पेपर्स, बट अ हैंड पंप व्हिच इज ब्रोकन इन अ विलेज व्हिच इज 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वो भी न्यूज है और वो इतना ही जरूरी न्यूज है। जर्नलिस्ट कोई ऐसी वो नहीं है जहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये तो महिलाओं का क्षेत्र ही है ही नहीं, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं है महिलाओं का क्षेत्र? महिला कुछ भी कर सकती है, क्या किसी पुरुष से कम है महिला?